नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो फायदे के फंड में और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। म्यूचुअल फंड में लगातार निवेशकों की संख्या बढ़ रही है और इस बात की गवाही दे रहे हैं अप्रैल 2024 के आंकड़े, जहां रिकॉर्ड 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है SIP इन्वेस्टमेंट के जरिए। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो इस शो में हम इन्हीं विषयों पर बात करते हैं और आपके मन में जो भी डाउट्स है उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हार्दिक बोरा जी, यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के को हेड इक्विटी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजतक पर। थैंक यू तन्वी जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके शो पर। जी सर, हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हालिया आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। अप्रैल महीने की अगर बात करें तो इसने रिकॉर्ड लेवल पर निवेशकों को जोड़ा है, करीबन 20,000 करोड़ जो है वो इसमें आंकड़ा इसने पार कर लिया है। तो ऐसे में हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव बन रहा है और मार्केट में लोगों को ये समझ में आ गया है? जी बिल्कुल, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है और इसके बारे में मैं दो चीज़ कहूँगा। हमें SIP के नंबर को हर बार एक नया आंकड़ा टच करने के ऊपर ज़्यादा चकित होना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए हम सब अगर स्टॉक मार्केट के प्राइस की जगह पर हमारे देश की GDP और हमारे देश की पॉपुलेशन का अगर चार्ट बनाएं तो हम हर रोज एक नया हाई टच कर रहे हैं, हर महीने एक नया हाई टच कर रहे हैं। तो अगर हमारे देश की जनता अगर और SIP में इन्वेस्ट करती है तो वो सिर्फ उसी ग्रोथ का एक साइन है, उसी ग्रोथ का एक लक्षण है। अब एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि हमें सब, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमें शायद से सारे इन्वेस्टर्स को, फंड मैनेजर्स को, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी, और शायद से सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ही नहीं, पूरे दूसरी कंपनी, दूसरे इंडस्ट्रीज भी जो है, FMCG कंपनी हो गई या फिर रिटेल कंपनी हो गई, सबको हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स ने चकित कर दिया है। लोगों को लगा कि शायद से जैसे जैसे हमारे इंडियंस की आमदनी बढ़ती जाएगी वो चीज़ों पर खर्चा करेंगे, लेकिन हमारी जो नेचर है उसके उसके हिसाब से हमने बिल्कुल वही किया। इंडियंस की जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती गई या आमदनी बढ़ती गई, उन्होंने अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने के बारे में पहले सोचा। पिछले 2 या 3 सालों में जो भी इनकम ग्रोथ आई है वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट की तरफ गई है एंड वो स्टॉक मार्केट में जो पैसे जिस तरह से आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, ये एक अच्छे बिहेवियर की को दर्शाते हैं कि हमारे नागरिकों ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने पर ज्यादा फोकस किया है और एक बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। जी सर, लोग ये तो समझ गए हैं कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड के दौरान ये जागरूकता और ज़्यादा बढ़ गई और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने के वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं और इसमें म्यूचुअल फंड एक बढ़िया ऑप्शन उनको मिल चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें, कैसे इसकी शुरुआत करें। तो थोड़ा सा बेसिक तरीके से हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जो म्यूचुअल फंड में निवेश जर्नी की अपनी शुरुआत करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। आपको अगर निवेश करना है तो आप किस उद्देश्य के लिए निवेश कर रहे हैं? क्या आपको किसी के अपने कुछ फ्यूचर में अपने बच्चों की शादी या आपको उनके एडुकेशन के लिए, आपको खुद को घर खरीदना है कुछ साल बाद, किस चीज़ के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कब तक आपको आपकी पूंजी को बढ़ाना है? आपको ये लॉन्ग टर्म अपने गोल्स के बारे में एक ध्यान रखना होगा और उसके हिसाब से आपकी कितनी काबिलियत है इन्वेस्ट करने की, उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ये दो चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए निवेश करने की जो आपकी जर्नी है आप उसको अच्छे से शुरू कर सकते हैं। हम रेकमेंड करते हैं कि ये चीज करने के लिए आपके कोई नजदीकी दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे या फिर कोई जाने माने एडवाइजर होंगे, उनकी सलाह लें। क्योंकि जिस तरह से हमें अगर तकलीफ होती है कोई तो हम डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए, हम अपने आप नहीं डिसाइड करते हैं कौन सी दवाई लेनी है। उसी तरह अगर आपको अपने फाइनेंस के बारे में भी जानना है, किसी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, किसी व्यक्ति को जो आपके पड़ोस में, आपके कोई जानकार में हो, उससे एक सलाह लेंगे तो आपकी शायद से शुरुआत में गलतियां कम होंगी। अभी जब आपको इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, ये 3 अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक निवेशक के पास। आपको अब ये सोचना है कि इसमें किस फंड में, किस सेगमेंट में कितनी मात्रा जाएगी आपके इन्वेस्टमेंट की, और ये सलाह इन दो चीजों पर निर्भर होगी। आपकी क्या
जरूरतें हैं कुछ सालों बाद और आपकी क्या कैपेबिलिटी है आज, इन चीजों को ध्यान जी में रखकर आपकी ये डिसीजन दी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे एक एडवाइस नहीं दे पाऊंगा एग्जैक्टली, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर अलग होता है, हर एक इन्वेस्टर की जरूरतें अलग होती है और उसकी इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी अलग होती है। तो बट ब्रॉडली ये अगर आप चीजों को ध्यान रख लें तो उसके बाद के जवाब हैं वो आसान है। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और लगातार हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताते रहते हैं कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हों तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की अगर बात करें या तो आगे भी जब बढ़ रहे हों तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लें। और लगातार हम इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि वो किसी की मदद लें, क्योंकि बहुत बार उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरीके से मार्केट में आगे बढ़ना है, कहाँ निवेश करना है। तो एक जो सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं वो उन्हें गाइड कर पाएंगे बेहतर तरीके से। और आपने जो दो पॉइंट्स बताए कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है उसे ध्यान रखने की जरूरत है, इसके अलावा आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही आप एक रणनीति बना पाएंगे, एक स्ट्रैटेजी बना पाएंगे कि आपको इन्वेस्ट करना कहाँ है। आपने ऑप्शंस तो बताए ही, लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप नहीं समझा पाएंगे क्योंकि हमें एक क्राइटेरिया नहीं पता है किसी को इन्वेस्ट करना है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक एग्जाम्पल से आपसे समझना चाहेंगे। अगर मान लीजिए किसी को 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है और 30 साल का व्यक्ति है, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 10,000 रुपये है, तो किस तरीके से वो निवेश कर सकता है, कहाँ कहाँ अपने पैसों को बांट सकता है वो। बिल्कुल। सो आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा चुना है गाड़ी का और एक 30 साल के व्यक्ति का। इस व्यक्ति की एज काफी यंग है, अगर उसकी वर्किंग एज के ध्यान रखें या उसके कमाने की क्षमता की ध्यान रखें तो उसकी क्षमता काफी ज्यादा है, कैपेबिलिटी जो बस हम कह रहे थे, तो वो आज थोड़ी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इक्विटी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अलग अलग इसके रूल्स होते हैं। एक रूल ये कहते हैं कि आपकी जो उम्र है उसको 100 से माइनस कीजिए, तो अगर आप 30 साल के व्यक्ति हैं और आपकी 100 उम्र है, 100 का आंकड़ा ले तो 100 माइनस 30 इस 70, 70% आपकी पूंजी इक्विटी में इन्वेस्टेड होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने की आपकी कैपेबिलिटी कम होती है जनरली। अब ये व्यक्ति मान लेते हैं कि इसको और कोई खर्चे की जरूरत नहीं है, सिर्फ गाड़ी खरीदनी है, जो हकीकत में आप समझ सकते हैं वैसा होगा नहीं, लेकिन ऐसे इन्वेस्टर जितना चाहें अगर इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करें तो अपने इस गोल की तरफ आसानी से पहुंच पाएंगे। ये भी जानना जरूरी है कि उनको गाड़ी कब लेनी है, और ऑफ कोर्स जो गोल है वो भी रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप 10,000 हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 1,20,000 एक साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ पकड़े तो भी आपको काफी टाइम लग जाएगा गाड़ी खरीदने के लिए। तो आपकी बाद में एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक होनी चाहिए कि आप शायद 6 या 7 साल में गाड़ी खरीद पाएंगे। तो ये ब्रॉडली पॉइंट, ये एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा चुना है, बिकॉज हमें बाद में अपने गोल के बारे में पता चलता है कि हम हमारे कैपेबिलिटी के अनुसार क्या हम हमारा गोल अचीव कर पाएंगे, कब अचीव कर पाएंगे, और इस गोल को शायद से साकार करने के लिए हमें शायद से और क्या करना पड़े। काफी बार इस सवाल का जवाब ये भी हो सकता है कि आप अपनी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आपने खर्चे कम करने की कोशिश कीजिए। तो ये पॉइंट है। अभी बाकी का 30% इस व्यक्ति का इन्वेस्ट किया जा सकता है डेट या हाइब्रिड फंड्स में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्या उनके कोई हर महीने के और कोई खर्चे हैं। अगर खर्चे कम हो तो हाइब्रिड फंड्स में ज्यादा इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, जो सेफ तरह से पैसे को कुछ हद तक ग्रो कर सकते हैं। सेफ यानी कि वॉलेटिलिटी उसमें कम हो। इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में कुछ सेफ होता नहीं है जैसे मैं कह दूं, बट वॉलेटिलिटी कितनी होती है वो हमें ध्यान में रखनी है। तो डेट फंड में वॉलेटिलिटी काफी कम होती है, उसके बाद हाइब्रिड फंड में वॉलेटिलिटी होती है, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है इक्विटी फंड्स में। तो इस व्यक्ति को अगर मैं आपसे संक्षेप में जवाब दूं तो 70% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हो सके तो मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगेन उनकी एज कम है उनके वर्किंग एज के हिसाब से। तो एक हैवियर पोर्टफोलियो इक्विटी की तरफ, और इक्विटी के अंदर मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ या मल्टी कैप की तरफ एक पोर्टफोलियो, उनको ये गोल की तरफ आसानी से पहुंचाएगा। जी सर, अभी आपने जो बात की कि अगर हम कोई गोल अपने दिमाग में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, और जो इन्वेस्टमेंट हमने प्लान किया है उसके हिसाब से शायद वक्त ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट और भी आता है कि क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जैसे साल दर साल हमारी इनकम भी बढ़ेगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और यहाँ पर वो भी चीज़ बहुत ध्यान रखने के लिए, लगातार हम जब एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप ईयरली बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा बढ़ाएं, और इसके जरिए जो आपका जो गोल आपको लंबी अवधि में आपको अचीव होने का लगता है वो थोड़ा सा आपके करीब आ जाएगा।
आई थिंक इसमें एक और ये भी कॉन्सेप्ट आता है फाइनेंस में, इसको कहते हैं कैश फ्लो वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जितना आपने पैसा बचाया और सेव किया अपने जर्नी के शुरुआत में, वो जी ज्यादा फायदा देता है। तो मान लीजिए किसी निवेशक ने अपनी पूरी 10 साल की अवधि में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन जितना हो सके ज्यादा उसने सेव करके अपने अर्ली फेज में अपने लाइफ के ज्यादा अपने कहते हैं ना कमर कसकर इन्वेस्ट किया है, उसे लॉन्ग टर्म में उसका बहुत ज्यादा फल मिलता है। तो ये हमेशा कहते हैं एक कहावत होती है, वो लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म गेन के लिए ये सोचना जरूरी है कि आपको आज के फायदे को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, आज के खर्चों को आप कम करेंगे तो आप अपने कल को बेटर कर सकते हैं। सो ये चीज बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से एक बार आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और आपकी पूंजी को ग्रो होना देखेंगे, आप अपने आप ज्यादा इन्वेस्ट करने की अभिलाषा रखना शुरू कर देंगे। जी, और यहाँ पर आपने जैसे बताया कि शुरुआत में अगर हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मुझे लग रहा है वो परिणाम होता है, क्योंकि जब आप शुरुआती दौर में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो फर्स्ट इनिशियल ईयर्स का आपका कंपाउंड होकर आपके रिटर्न को बढ़ाता है, और आप लेटर ईयर्स में जो और मे बी आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया होगा तो वो उतना रिटर्न नहीं दे पाएंगे। तो अक्यूमुलेटिवली अगर सोचे कि शुरुआती मतलब समय में आप थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करें तो वो आपके लिए रिटर्न के मामले में ज़्यादा बेहतर होगा। सर, आपने जब बताया कि अपने पोर्टफोलियो को जब तैयार करें तो करीबन जैसे आपने बताया कि 100 में से अपने उम्र को घटा दे, तो एक एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। आपने कहा कि 70 फीसदी 70% अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी फंड्स में वो निवेश करना चाहिए उन्हें, लेकिन अभी जो डेटाज आए हैं अप्रैल के, उसमें तो ये लग रहा है कि जो निवेशक हैं वो इक्विटी फंड्स में कम पैसे लगा रहे हैं, करीबन 16% तक की इसमें गिरावट आ चुकी है। तो ये नेट इनफ्लो का नंबर है तन्वी जी, और अब आपको ग्रोथ में नंबर बिल्कुल कम दिखेगा महीने से, बट अगर आप इसको 1 साल से कंपेयर करें पिछले साल से इस साल, तो काफी अच्छी ग्रोथ है, 40% के ऊपर की जी ग्रोथ है, और 18,917 करोड़ का ये नंबर है जो नेट इनफ्लो नंबर है। तो अगर आप इस आंकड़े को अपने आप पर देखें तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसको जी अगर आप पिछले 3 साल के आंकड़े को जोड़ें और उसके पीछे के साल के 3 साल के आंकड़े को जोड़ें, तो इस क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, तो ये आंकड़ा फिर भी अच्छा खासा है। जैसे आपने कहा SIP का नंबर स्ट्रांग है, सो मेरे ख्याल से होता क्या है कि जब हम म्यूचुअल फंड की डेटा को देखते हैं, हम एक डेटा देखते हैं SIP का डेटा, और एक डेटा देखते हैं हम हमारे नेट इनफ्लो का डेटा कि कितने पैसे निकाले गए मार्केट से, कितने पैसे डाले गए, इसका गैप क्या है। नेट इनफ्लो का नंबर हमें एक मार्केट का मूड बताता है, और SIP का नंबर हमारे मार्केट की जनरल स्ट्रेंथ बताता है कि हर साल कुछ पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो जो ये इन्वेस्टर है जिसको गाड़ी खरीदनी थी, उसको ये इनफ्लो के डेटा से ध्यान नहीं रखना चाहिए, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में SIP हो रही है, सब SIP कर रहे हैं, SIP आपके हर महीने की एक एक आदत बन जानी चाहिए, एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, और इस डिसिप्लिन की वजह से क्या होगा कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आप उस उतार चढ़ाव का फायदा ले पाएंगे। तो SIP के लिए अगर ध्यान रखें तो आप देख सकते हैं SIP का नंबर काफी स्ट्रांग है, जैसे हमने सेगमेंट की शुरुआत में बात की। इनफ्लो का नंबर महीने से महीने चेंज हो सकता है, वो मूड ऑफ द मार्केट होता है, अगले महीने स्ट्रांग नंबर दिखेगा, कभी नेगेटिव होगा, तो ये काफी टेम्पररी फेज होता है। इसमें मैं शायद से ज्यादा दर्शकों को रीड करने के लिए नहीं कहूंगा। जी सर, अभी आपने बाजार के मूड माहौल की बात की, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाजार में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, और शेयर मार्केट से ही तो रिलेटेड है म्यूचुअल फंड, तो ऐसे में बाजार को लेकर एक बार थोड़ा सा आपका ओवरव्यू जानना चाहेंगे, और साथ ही अगर बाजार में उतार चढ़ाव है तो क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव करना चाहिए? ठीक है, तो पहले मैं आपके जो लास्ट क्वेश्चन था उसकी सवाल के करता हूँ। इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजी होती है इन्वेस्टर की, वो मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा बदलनी नहीं चाहिए। आप अगर आपके जो SIP, हर एक इन्वेस्टर की SIP उसके इन्वेस्टर इस इन्वेस्टमेंट का यूजुअली बड़ा भाग होता है। आप हर महीने कितने पैसे कमाते हैं और उसमें से कितनी SIP करते हैं, वो आपके पूरे कॉर्पस का, पूरे इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा होता है, वो हर महीने इन्वेस्ट होकर बड़ा होता है। SIP को आपको वॉलेटिलिटी आपका दोस्त है अगर आप SIP कर रहे हो तो, क्योंकि उसकी वजह से होता यह है कि आप मार्केट में गिरावट होती है, आप उस समय भी खरीदते हो, मार्केट में जब चढ़ता है मार्केट महंगा लगता है तभी भी आप पार्टिसिपेट करते हो, तो ये वॉलेटिलिटी में SIP इज द बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट, तो उसमें कोई रणनीति में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास अगर मान लीजिए किसी के पास बोनस आ गया कहां से, एक साथ एक बड़ी पूंजी आ गई, और उसे उस पैसे को तुरंत इन्वेस्ट करना है एक साथ,
उस इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के आपको शायद से ये वॉलिटिलिटी के बारे में सवाल जवाब करने पड़ेंगे। हमारी राय ये है कि ऐसी पूंजी जो एक साथ आपको इन्वेस्ट करनी है, उसको आप एसटीपी स्टैगर्ड तरह से इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप ये डिसीजन से मुक्त हो जाएं कि इस समय इन्वेस्ट करना है या 3 महीने बाद इन्वेस्ट करना है। किसी को नहीं पता आने वाले 2 या 3 महीने में क्या होने वाला है, 6 महीने में क्या होने वाला है। सबको लॉन्ग टर्म के बारे में पता होता है, शॉर्ट टर्म के बारे में गैस करना बहुत मुश्किल होता है। तो जी इस डिसीजन से मुक्त होने के लिए आप 3 से 6 महीने की एसटीपी कर दीजिए, तो आप जो भी मार्केट का मूड हो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जी सर, आपने एसटीपी का जिक्र किया, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, तो यहाँ पर एक बार उसके बारे में भी अपने व्यूअर्स को बता देते हैं कि एसटीपी क्या होता है और कैसे उसे उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। सो एसटीपी इस तरह से इन्वेस्ट होता है कि मान लीजिए आपको एक बड़ी पूंजी मिली है, आप वो इन्वेस्ट बड़े पूल को आप इन्वेस्ट तुरंत करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने स्मॉल कैप कैटेगरी या फिर लार्ज कैप कैटेगरी, जो भी कैटेगरी हो, आपने अपने लिए उचित समझी है, लेकिन आपके मन में ये डाउट है कि अभी इन्वेस्ट करें या कुछ टाइम बाद इन्वेस्ट करें, तो आप एक म्यूचुअल फंड में सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन एनी अदर फंड लाइक फिक्स्ड फंड हो, जो जिसमें रिस्क कम हो, जैसे कि लिक्विड फंड हो गया या आर्बिट्राज फंड हो गया, उसी म्यूचुअल फंड में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक तरह से हर महीने आपके लिक्विड फंड में से आपकी जो मनचाही जो भी फंड थी उसमें धीरे धीरे कर इन्वेस्ट करेंगे। इससे होगा ये कि आपने एक साथ वो म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, जो भी आपने कैटेगरी चूज की हो, उसमें हर महीने या हर हफ्ते कुछ एक सर्टन इंटरवल पे धीरे धीरे करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आपके पैसे एक साथ चले गए और सेफ रहेंगे एक फंड में, लिक्विड फंड या फिर आर्बिट्राज सेफ, यानी कि वो वाले फंड्स में वॉलिटिलिटी कम होगी। और जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे आप 3 महीने की एसटीपी चूज कर सकते हैं या 6 महीने की एसटीपी चूज कर सकते हैं, पैसे वो फंड से निकलकर आपके मनचाहे फंड में धीरे धीरे होकर इन्वेस्ट होंगे। सो इससे फायदा ये होता है कि आपने एक साथ डिसीजन ले लिया है, और अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी है, जैसा अभी करंट मूड है, उस हिसाब से वो पैसे धीरे धीरे इन्वेस्ट हो जाएंगे, और आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि इस समय इन्वेस्ट करना है या 3 महीने बाद इन्वेस्ट करना है, वो अपने आप होता जाएगा। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एसटीपी के बारे में हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी डाउट्स थे उसको आपने क्लैरिफाई किया। इसके अलावा हम ये समझना चाहेंगे, अगर बात करें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की, तो लार्ज कैप में भी हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रहा है निवेशकों का, जो इन्वेस्टमेंट रहा है, वो थोड़ा सा कम हुआ है। अप्रैल के जो डेटाज अभी, क्योंकि रिसेंटली आए हैं तो हम उन आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, तो लार्ज कैप में कम रहा है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो स्मॉल कैप फंड्स में जो सेबी ने स्टेटमेंट दिया था, बबल होने की बात कही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में लोगों के घबराहट हुई थी और उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट वापस लिए थे मार्केट से, लेकिन वापस वो इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है और अप्रैल के डेटा के अनुसार स्मॉल कैप फंड्स में अच्छे खासे निवेश हुए हैं। तो ऐसे में तीनों तरह के अगर हम सेक्टर की बात करें, लार्ज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो अभी इस वक्त अगर कोई शुरुआती दौर में अगर निवेश करने अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहा है, तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा सेफ ऑप्शन होगा, और साथ ही स्मॉल कैप फंड्स को लेकर भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अलग अलग सवाल है, मैं एक एक करके उसका कोशिश करता हूँ जवाब देने की। अगर लार्ज जी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जनरली अगर ये कैटेगरीज की बात करें, और आप कह रही थी कि लार्ज कैप में से पैसे निकले हैं, जो सही बात है मेरे ख्याल से, लेकिन हो ये राय कि हम लार्ज कैप को अकेले देख रहे हैं, एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि लार्ज कैप में से पैसे निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी भी कैटेगरियां हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड है, या फिर मल्टी कैप है, जिसमें 50% या उसके अधिक पैसे लार्ज कैप में इन्वेस्टेड हैं। तो एक्चुअली हुआ यह है कि इन्वेस्टर्स को सिर्फ लार्ज कैप नहीं पसंद, उन्हें लार्ज कैप के साथ कुछ एक मिक्सचर चाहिए, उन्हें उसमें थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप का भी थोड़ा एक एडिशनल कहते हैं ना, एक जैसे स्पाइस करना है चीजों को, तड़का लगाना है इन्वेस्टमेंट में। इन अ वे करना यह है बेसिकली इन्वेस्टर्स को कि उन्हें अपने रिटर्न्स को, जैसे हमने एग्जांपल यूज किया था इस इंडिविजुअल का, जैसे गाड़ी खरीदी थी, वो अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए ये चॉइस ली जा रही है। यूजुअली लॉन्ग टर्म में मिड एंड स्मॉल कैप बेटर रिटर्न देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफी दिन तक वेट करना पड़ता है। अगर आपकी 1 या 2 साल की एक्सपेक्टेशन है, तो मिड एंड स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस खराब भी हो सकते हैं लार्ज कैप के मुकाबले, लेकिन अगर आप काफी लंबा टाइम देंगे, तो शायद से मिड एंड स्मॉल कैप हो सकता है उसके चांसेस बेटर हैं कि वो लार्ज कैप से बेटर रिटर्न दे। इतिहास ने ये बताया है,
तो आज के जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये और जाहिर सी बात है कि ये थॉट प्रोसेस रहेगी। जैसे कहते हैं कि इंडियन हमारी कंट्री में यंग जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो हमारे कंट्री का पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी यंग है तो जाहिर सी बात है वो रिस्क भी उतना ही लेना चाहेगी। और शायद से यही हमारे मिड एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट के थ्रू दिखाई दे रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि इसका मतलब यह है कि मिड एंड स्मॉल कैप ही सही जरिया है इन्वेस्ट करने का। तो आपके अगर सेकंड क्वेश्चन पे आए कि लार्ज मिड एंड स्मॉल में क्या चूज करना चाहिए, ये अगेन इन्वेस्टर के निवेशक के कैपेबिलिटी और उसके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने 30 साल के व्यक्ति की बात की थी, मान लीजिए कोई 60 साल का व्यक्ति हो जिसकी अभी वर्किंग एज में ज्यादा गैप बचा नहीं है, उसे मिड एंड स्मॉल कैप में अग्रेसिवली शायद से इन्वेस्ट करना उसके लिए सही ना हो। और अगर उसकी इन्वेस्टमेंट की जो उसने अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव किए हैं वो बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है, तो उसे खास करके मिड एंड स्मॉल कैप को अवॉइड, इनफैक्ट इक्विटी को ही अवॉइड करना चाहिए। सो इसके लिए लार्ज मिड एंड स्मॉल का वापस से जो डिसीजन है वो इन्वेस्ट करके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है और उसके आगे जाकर क्या गोल है उस पर निर्भर करता है। तो इसका सवाल एकदम आसान नहीं है। अब अगर मिड एंड स्मॉल कैप फंड की जनरली बात करें कि जैसे आपने कहा था कि हमारे रेगुलेटर ने कुछ 1-2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि जी बबल एक फॉर्म हो रहा है, आई थिंक उनके पॉइंट में उनकी जो कमेंट में कुछ कुछ सच्चाई तो थी। क्योंकि अगर आप लास्ट 1 साल का रिटर्न देखें तो बहुत ज्यादा रिटर्न दिख रहा था। 1 साल का 60% का रिटर्न था मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में। अगर आप अप्रैल एंड के में भी अगर निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का रिटर्न देखें तो 50 से 60% है। लेकिन कहने का ये मतलब है कि हमारी जिस वो बेस जो था अप्रैल 2023 का बेस वो काफी डिप्रेस्ड बेस था, वहां से 1 साल का रिटर्न काफी स्ट्रांग दिख रहा था। उसको अगर बेस को हटा भी दें तो पिछले 5 साल का मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न और इंडेक्स का भी रिटर्न 23% से 26% के बीच में रहा है CAGR। ये अपने आप में काफी स्ट्रांग नंबर है। हुआ ये है कि पिछले कुछ साल में कुछ महीनों में स्मॉल कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशन और मिड कैप स्टॉक्स के वैल्यूएशन और प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ गए हैं। शायद से अगर ये कुछ टाइम तक थोड़ा रुक जाए तो शायद से वैल्यूएशन ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी ये वैल्यूएशन पे ऐसी अपेक्षा है कि ग्रोथ बहुत तेज आती रहेगी इन बिजनेस में आने वाले कुछ सालों में। अगर वो ग्रोथ नहीं आती, अगर बिजनेस के प्रॉफिट्स ग्रो नहीं होते, तो हो सकता है कि थोड़ी करेक्शन आए इन स्टॉक्स में, वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल हो जाएं। तो हमारे रेगुलेटर ने कहीं काफी अच्छे से ये सवाल इसलिए उठाया था बिकॉज उन्हें निवेशकों को थोड़ा सतर्क करना था, और जी सतर्क करना जरूरी होता है टाइम टू टाइम। मैं नहीं कहूंगा पर्सनली कोई बबल सिचुएशन है, थोड़ा वैल्यूएशन में फ्रॉथ जरूर है। और जब भी हमारी इकोनॉमी ऐसे तेज ग्रोथ के मुकाम पर पहुंचती है, वो जो पिछले जब हमारी 2015-16 की पीरियड देख लीजिए, या जब लास्ट टाइम केपेक्स की रैली आई थी 2008-09 में, तब देख लीजिए मिड एंड स्मॉल कैप के वैल्यूएशन यूजुअली ऐसे मुकाम पर काफी महंगे लगते हैं। तो ये हमें इस हकीकत से लड़ना पड़ेगा एज ए निवेशक। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बबल और ये फ्रॉथी सिचुएशन अगर हो भी मार्केट में, ये तो हमें आगे जाके 6 महीने 1 साल में पता चलेगा कि वाकई में ये वैल्यूएशन सही थे कि बिजनेसेस एक्चुअली में उतना ग्रो नहीं कर रहे हैं तो ये वैल्यूएशन गलत थे। लेकिन इस डिफिकल्टी का सामना करने के लिए SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें, STP के थ्रू इन्वेस्ट करें, तो आपको ये एंजाइटी नहीं रहेगी क्या हम गलत टाइम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा जी बस मिड एंड स्मॉल जी कैप अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, SIP STP कीजिए और बेटर तरीका आगे जाकर इन्वेस्ट करने का। जी क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या इस दौरान भी कुछ अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करना चाहिए या क्या फोकस रखना चाहिए इस वक्त? देखिए बताना तो मुश्किल है आगे जाकर क्या होगा, लेकिन मैं हिस्ट्री से अगर देखकर बताऊं आपको कि पास्ट में क्या हुआ है, तो इलेक्शन के रिजल्ट्स का लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर इम्पैक्ट काफी सीमित होता है। हाँ, आने वाले 1-2 साल में वॉलेटिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन क्या आउटकम आता है। बट कहने का मतलब यह है कि वही बात होती है कि वॉलेटिलिटी शायद से ज्यादा बढ़ जाएगी, शायद से 3-6 महीने की जगह पर 1-2 साल तक वॉलेटिलिटी रहेगी। तो आपकी SIP की रणनीति में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगेन, जो आपके पास लमसम का पैसा है उसको शायद से 6 महीने प्लस आप STP कर दीजिए, क्योंकि इलेक्शन का समय चल रहा है,
शायद से आपको थोड़ी सहमति नहीं है कि पता नहीं क्या तरह की आउटकम आएगी, या हमारी करंट सरकार वापस सत्ता में आएगी, या क्या होगा, चेंजेस आएंगे। इस चीज को अगेन ओवरकम करने के लिए, इस चीज का इस ये डिसीजन को अवॉइड करने के लिए आप शायद से एसटीपी कीजिए। एसआईपी के चेंज में के लिए कोई भी रणनीति की जरूरत नहीं है चेंज करने की। लॉन्ग टर्म हमारी इकोनॉमी की स्टोरी काफी स्ट्रांग है। हमने अलग अलग तरह के झटके झेल लिए हैं। कोविड आया था जिसने, हम ही नहीं सारे देश बंद हो चुके थे, काफी जी टाइम तक व्यवसाय बंद हो गए थे, आमदनियां अटक गई थी। उसके अलावा आप देख लीजिए उसके पास में भी हमारे कंट्री ने काफी ऐसे झटके झेले, और फिर भी हमारी कंट्री और हमारे देश ने और देश के नागरिकों ने काफी टफनेस दिखाकर आगे बढ़ते गए हैं। तो इक्विटी मार्केट भी उसी तरह से लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा, ये हमारा मानना है, ये हमारी राय है। सारे देश बंद हो चुके थे, काफी जी टाइम तक व्यवसाय बंद हो गए थे, आमदनियां अटक गई थी। उसके अलावा आप देख लीजिए उसके पास में भी हमारे कंट्री ने काफी ऐसे झटके झेले, और फिर भी हमारी कंट्री और हमारे देश ने और देश के नागरिकों ने काफी टफनेस दिखाकर आगे बढ़ते गए हैं। तो इक्विटी मार्केट भी उसी तरह से लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा, ये हमारा मानना है, ये हमारी राय है। इसके लिए अगर आप एसआईपी का रास्ता चुनते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको आने वाले 6 महीने में क्या होता है इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और जहां तक आपके वो लमसम पूल का सवाल है, उसे आप 6 महीने प्लस की एसटीपी कर दीजिए, तो आपको शायद से एक स्टैगर तरह से इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। जी बिल्कुल, भारत की ग्रोथ स्टोरी की तो सभी मिसाल दे रहे हैं, और आगे इसमें बिल्कुल विकास की संभावना है, ग्रोथ की संभावना और भी है। और ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में जब भी आप निवेश करें तो लंबी अवधि का नज़रिया रखें। लॉन्ग टर्म के लिए जब आप निवेश करते हैं, तो अगर ये शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई वोलेटिलिटी नज़र आती है बाजार में, जो भी उतार चढ़ाव रहेगा वो कहीं ना कहीं वो बराबर कर देता है, और लंबे समय में आपको एक बढ़िया रिटर्न ही कमा कर देता है। सर, अगर बात करें अपने भारत की, जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ हमें लगता है कि आने वाले समय में ग्रोथ की और ज़्यादा संभावना बन रही है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके एएमसी का फोकस इस वक्त किस सेक्टर पर है और किस पर आप ज़्यादा बुलिश हैं? बिल्कुल, पहले तो हमारे जो देश की गवर्नमेंट ने जो इतना बढ़िया काम करके रखा है पिछले आई वुड से 7 से 8 सालों में, आई थिंक उसकी वजह से एक निवेशक का काम काफी आसान हो गया है, क्योंकि हर अलग अलग सेक्टर में इतनी तेजी से ग्रोथ दिख रही है हमें। हम इसको कम से कम एक ब्रॉडली अगर कहें तो दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा ये है जहाँ पे हम कंज्यूम करते हैं, तो जो इंडस्ट्रीज में हम एज जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है और हम खर्चे करते हैं, टाइम टाइम से ऐसे ऐसे कोई ना कोई सेक्टर आते हैं जो इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो जो हाई टिकट कंजम्पशन आइटम है, जैसे कि गाड़ियां हो गई या फिर घर हो गए, घर भी एक कंजम्पशन ही है इन अ वे, जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है हम लोग घर खरीद रहे हैं। आप घर के सेल्स के डेटा देखेंगे तो हर शहर में हर डेवलपर के सेल्स के डेटा काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। प्री सेल्स के डेटा जो कहते हैं, जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च करके बताते हैं कि हमने कितने मकान बेचे, तो रियल एस्टेट जी सेक्टर है वो हमें काफी अच्छा लग रहा है। रिटेल है इन जनरल, अपैरल रिटेल हो गया या फिर अलग प्रकार के रिटेल हो गया, हमें रिटेल भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ज्वेलरी, लग्जरी वॉचेस, ये सेगमेंट्स हमें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सो एक कंजम्पशन जो जिस जिस तेजी से हमारी कंट्री ग्रो हो रही है, जहां पे कंजम्पशन होना चाहिए, वो हम सेक्टर्स पे काफी फोकस्ड हैं और वहां पे हम बुलिश हैं। हमें लगता है कि ऐसे काफी सेक्टर हैं जो काफी सालों तक अच्छी ग्रोथ देते रहेंगे। आई थिंक कंजम्पशन नहीं कहूंगा, बट इसका एक और ऑप्शन जो हमें हमारे देश के निवेशकों ने दिखाया है कि कैपिटल मार्केट्स, यानी कि स्टॉक मार्केट में या इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, ये भी एक तरीका है। जैसे अगर एक इन्वेस्टमेंट होती है, इनकम कमाया जाता है एक इंडिविजुअल का, तो दो उसको भाग में डिवाइड करते हैं, सेविंग्स एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन जी स्टोरी है, सेविंग्स की स्टोरी भी काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट सेविंग्स की स्टोरी पिछले 12 महीनों में कंजम्पशन की स्टोरी से काफी स्ट्रांग निकली। जैसे आपने कहा एसआईपी के डेटा से दिख रहा है, रहा इक्विटी है जी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के डेटा से दिख रहा है। तो हमें इसके लिए जो एक नागरिक की इनकम बढ़ने की वजह से जो भी सेक्टर्स में फायदा हो सकता है वो सेक्टर्स को देख रहे हैं कंजम्पशन और सेविंग्स के लिए। तो ये एक भाग हो गया। दूसरा भाग जो हमारे देश की गवर्नमेंट ने जो बहुत अच्छे बखूबी निभाया है, जो ये किरदार, वो हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, यानी कि हम दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज हैं, चाइना है, वियतनाम अभी हो रहा है, ऐसी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग की वजह से वो देश काफी तेजी से आगे बढ़ा
और उनके वो देश की जनता ने भी उस ग्रोथ का फायदा उठाकर अपनी आमदनी बढ़ाई और ऑफकोर्स उनके सेक्टर्स में ग्रोथ आई। तो हम कंजम्पशन सेक्टर देखते हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चर सेक्टर पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम सिर्फ यही नहीं देख रहे हैं कि जो कंपनियां सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको पावर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पावर के अलावा आपको अगर कोई भी चीज प्लांट खड़े करने हैं तो उसके लिए आपको पाइप्स लगेंगे, स्टील रीबार्स लगेंगे, आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे कंट्री को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए जो जो इंडस्ट्रीज में का जो जो इंडस्ट्रीज में एक बड़ी एक किरदार निभा सकते हैं, हम उन इंडस्ट्रीज पर भी काफी क्लोजली ध्यान दे रहे हैं। सो ये तो हमारे करंट सबसे ज्यादा फोकस है। पूरे मार्केट को हम इस हिसाब से बांट कर देखते हैं कि अब इस ग्रोथ में कौन हिस्सा ले रहा है। तो ये मैं कहूंगा ब्रॉड सेगमेंट है। इसके मैं ज्यादा डिटेल में जा सकता हूं, पर मैं जाना चाहूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा डिटेल में गया, मैं आपको आज कहूंगा शायद से मुझे सेक्टर ए या सेक्टर बी पसंद है, लेकिन 1-2 महीने बाद शायद से सिचुएशन बदल जाएगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी निवेशक अगर हमारे देश को इन दो दृष्टिकोण से देखेगा तो उसे काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। जी सर, अंत में आपसे हम कुछ की पॉइंट्स में ये समझना चाहेंगे कि अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है तो किन बातों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आई थिंक पहली चीज तो ध्यान में ये रखनी चाहिए कि कहते हैं ना कि जब गाड़ी चलाते हैं तो रेयर व्यू मिरर में देखकर आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपको आगे देखकर गाड़ी चलानी है। तो इसके लिए सिर्फ पास्ट रिटर्न्स को देखकर ये मत जज कीजिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है और कौन सा खराब है। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखिए, रोलिंग रिटर्न्स देखिए। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे टीवी शोज हैं, वो भी इन सब चीजों के ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जितना हो सके ये समझिए कि लॉन्ग टर्म में किसने अच्छा रिटर्न दिया। पिछले 1 साल 6 महीने के रिटर्न्स पर अगर ध्यान देकर आप डिसीजन लेंगे तो शायद से वो सही डिसीजन ना हो। तो पहली चीज तो वही कहेंगे कि शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पर ध्यान दीजिए मत, और लॉन्ग टर्म जो कैपेबिलिटी है फंड हाउस की, फंड मैनेजर की, और वो कैटेगरी की, उस पर ध्यान दीजिए। मैं कहूंगा कि सिर्फ म्यूचुअल फंड ही फंड स्पेसिफिक नहीं, लेकिन कैटेगरी पर भी यही सेम ध्यान दीजिए। अब जैसे कि 1 साल पहले की बात करें, आई थिंक स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट उतनी तेजी से नहीं हो रही थी। तभी दो तीन चीजें हमारे वर्ल्ड में हुई, वॉर चालू हुए, एंड उसकी वजह से स्मॉल कैप का अटेंशन था नहीं लोगों का, जबकि वो सही टाइम था स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का। तो मैं कहूंगा कि कैटेगरी चूज करते वक्त भी ये मत देखिए कि पिछले 1 साल 2 साल में क्या हुआ है, और फिर चूज कीजिए आपको किस चीज की जरूरत है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कैटेगरी चूज कीजिए, फंड हाउस चूज कीजिए, और फिर इन्वेस्ट कीजिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वुड से। ये पहली चीज ध्यान में रखनी है, रेयर व्यू मिरर में देखकर ड्राइव नहीं करना है। सेकेंड, जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद दवाइयां नहीं चूज करते। इसी हिसाब से आप खुद कोई चीज को मत चूज कीजिए अगर आपको उसके बारे में सही जानकारी ना हो। किसी से पूछिए, किसी जानकार के पास जाइए या किसी एडवाइजर से पूछिए। 3-4 ऐसे व्यक्तियों की अगर सलाह जोड़ेंगे तो भी आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है उसकी आपको आइडिया मिल जाएगी। तो वो ये दो चीजें अगर कोई निवेशक करेगा, और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पे ध्यान देगा, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करेगा, ये उन्हें ये नहीं सोचना है कि आज करें कल करें, सौदा नहीं करना। उन्हें बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। एक वृक्ष में, एक पेड़ को पानी देने की बात होती है, तब जाकर वो बड़ा पेड़ बनेगा और आपको उसके फल देगा। अगर आप ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप गलत नहीं जाएंगे। जी सर, आप काफ़ी अच्छे से और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ हमें बता रहे थे, तो ये जो कॉन्वर्सेशन रहा वो काफ़ी लाइवली रहा और काफ़ी लोगों को मुझे उम्मीद है कि फ़ायदा भी मिलेगा आपसे, जो भी आपने जानकारी दी उससे। इस वक्त के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में भी म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।